हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम सिनेमन बन बनाएंगे। उसके लिए 2 कप मैदा है, आधा बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर है, 50 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 40 ग्राम मेल्टेड बटर है। बटर हमने सॉल्टेड लिया है। सबको मिक्स करते हैं। अगर बटर अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो 1 पिंच मैदा में नमक डाल दें, जिससे स्वाद उभर कर आएगा। चौथाई कप ताजी दही है। दही को अच्छी तरह मैदा में मिक्स करेंगे। चौथाई कप दूध है जो हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। सबको मिक्स करते हुए सेमी सॉफ्ट आटा लगाते हैं। आटा लग गया है। हमने आटे को मसल मसल कर पूरी के आटे से सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगाया है। हम मोल्ड को मक्खन से चिकना कर देते हैं। फिलिंग बनाते हैं। 20 ग्राम अनसॉल्टेड बटर है, 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर है, इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, 1/2 बड़ा चम्मच सिनेमन पाउडर है, 1/2 बड़ा चम्मच फिलिंग बन गई है। बन बनाते हैं। हम इसे रेक्टेंगुलर बेलेंगे। इसे हमने पराठे से थोड़ा मोटा रखा है। अब फिलिंग लगाते हैं। अच्छी तरह पूरे में फैला कर लगाएंगे। फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। काट के पीस बनाते हैं। पिज्जा कटर या चाकू किसी से भी काट सकते हैं। हम 2 पीस बना लेते हैं। अब निशान लगा के छोटे पीस काटते हैं। बन बनाते हैं। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ काटेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के। अब जैसे चोटी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसी तरह हम सारे बन बना के तैयार कर लेंगे। बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस प्रीहीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक होने रख दिए हैं। बन अच्छी तरह बेक हो गए हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ी पिसी हुई चीनी डालते हैं। अब हमारे सिनेमन बन बनकर खाने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको पास से दिखाते हैं। बन काफी अच्छे बने हैं, बिना अंडा बिना ईस्ट के भी इतने अच्छे फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंदर से दिखाते हैं। ब्रेड अंदर से भी अच्छी तरह बेक हो गई है, काफी सॉफ्ट और फूली हुई दिखाई दे रही है। बन काफी अच्छे बने हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।